हे हाय गाइस, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वक्त टेक चैनल को। तो आज यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं रेडमी 9 का रेडमी 9 प्राइम के साथ में, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन हमें एक बजट प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। 10,000 की प्राइस रेंज में हमें बड़ा स्टोरेज एंड बड़ी रैम देखने को मिलती है रेडमी 9 में। तो 10,000 की प्राइस रेंज में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप, काफ़ी कमाल का डिस्प्ले 9 प्राइम में देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन में हमारा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या 9,000 का रेडमी 9 खरीदे या फिर 10,000 का रेडमी 9 प्राइम। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करना अच्छा रहेगा, कैमरा के लिए, बैटरी के लाइफ के लिए, हर एक चीज के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतरीन है, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या फिर स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे इस वक्त तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की वेरिएंट की एंड प्राइस की। तो Redmi 9 में हमें 4GB की रैम, 64GB का स्टोरेज 9,000 में देखने को मिलता है। तो यही वेरिएंट प्राइम में हमें 10,000 में देखने को मिलता है। सेकेंड वेरिएंट है 4GB की रैम, 128GB का स्टोरेज, जो हमें 10,000 में Redmi 9 में देखने को मिलता है। तो प्राइम में ये हमें 12,000 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस के मामले में 1 और 2,000 से महंगा है प्राइम, बट यहाँ पे प्राइम में हमें उस प्राइस रेंज के हिसाब से भी काफ़ी कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। फ्रंट साइड से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, 3 का प्रोटेक्शन, वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले, वही सेम बेजल्स एंड वही सेम साइज है। बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में हमें पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलती है। सिर्फ डिज़ाइन दोनों स्मार्टफोन के अलग है। रेडमी 9 प्राइम में हमें जिस तरह से पोको X2 का डिजाइन है, सर्कल शेप में वर्टिकल क्वाड कैमरा का सेटअप, वही यहाँ पे हमें फिजिकली फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है रेडमी 9 प्राइम में। तो यहाँ पे रेडमी 9 में हमें देखने को मिलता है रियलमी C12 की तरह ही, वही पे स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा का सेटअप, बट वहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा का ही सेटअप देखने को मिलता है। वही सेम पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है, नीचे की तरफ 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर, माइक्रो USB पोर्ट हमें 9 में देखने को मिलता है। तो प्राइम में हमें USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। तो यही है यहाँ पे जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बट ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आता है। बट जब यहाँ पे बात आती है डिस्प्ले की, तो यहाँ पे Redmi 9 में हमें देखने को मिलता है 6.5 इंच का एक HD+ वाला डिस्प्ले, जो कि आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, एकदम मिनिमम बेजल से, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, 3 का प्रोटेक्शन है, नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। एंड यही बात करें प्राइम की, तो यहाँ पे नाम के हिसाब से यहाँ पे हमें फुल HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले है, जो भी आता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, 3 का प्रोटेक्शन, सेम 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज्यादा वीडियो कंटेंट देखते हो, तो प्राइम का डिस्प्ले आपके लिए काफी कमाल का रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले प्राइम का है। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बहुत ही ज्यादा वीडियो कंटेंट देखते हो, तो बेझिझक आप प्राइम की तरफ ही जाइए। इसी के साथ परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाले तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में हमें डिफरेंट प्रोसेसर देखने को मिलता है। मीडियाटेक का हीलियो का G35 वाला प्रोसेसर हमें Redmi 9 में देखने को मिलता है, जो कि डे टू डे लाइफ मल्टीटास्किंग है ना, एक बैटरी सफिशिएंट प्रोसेसर है। बट जब गेमिंग की यहाँ पे बात आती है, तो ये प्रोसेसर जो है वो थोड़ा बहुत लैग करता है। मतलब हार्डकोर की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में नहीं कर पाओगे। पबजी आप HD ग्राफिक्स पे ठीक ठाक से खेल पाओगे, वहाँ पे आपको थोड़े बहुत लैग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। बट जब बात आती है Redmi 9 प्राइम की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो का G80 वाला प्रोसेसर, जो कि डे टू डे लाइफ मल्टीटास्किंग है, एक बैटरी सफिशिएंट प्रोसेसर है, बट गेमिंग के मामले में थोड़ा सा बेहतरीन है कंपेयर टू Redmi 9। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप ठीक ठाक से जो है वो गेमिंग कर पाओगे। यहाँ पे भी आप हार्डकोर की गेमिंग नहीं कर पाओगे, बट कंपेयर टू वो स्मार्टफोन आपको यहाँ पे बढ़िया गेमिंग का एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ बैटरी लाइफ की यहाँ पे बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें सेम 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। माइक्रो USB का पोर्ट, साथ ही साथ 10W की चार्जिंग का सपोर्ट हमें Redmi 9 में देखने को मिलता है, तो 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड USB टाइप सी का पोर्ट हमें Redmi के 9 प्राइम में देखने को मिलता है। बट स्मार्टफोन के साथ हमें 10W का ही चार्जर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग जो आपको प्राइम में देखने को मिलती है। इसी के साथ कैमरा सेटअप की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में हमें मेजर अपडेट देखने को मिलते हैं। क्वाड कैमरा का सेटअप हमें प्राइम में देखने को मिलता है, तो ड्यूल कैमरा का सेटअप हमें 9 में देखने को मिलता है। 13+2 MP का डीप सेंसिंग का लेंस हमें 9 में देखने को मिलता है। और इसी के साथ प्राइम की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको 13+8
प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल के ऐसे क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलते हैं। तो बेझिझक आपको कमाल का कैमरा जो है वो प्राइम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सेल्फी की यहाँ पे बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें प्राइम में देखने को मिलती है, तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें रेडमी 9 में देखने को मिलती है। तो मैं सीधे सीधे कहूंगा अगर आपकी कैमरा है प्रायोरिटी तो आप बेझिझक प्राइम की तरफ जाइए, बट अगर आपका बजट का इशू है ना, आप ज्यादा मैटर नहीं करते हैं आपके लिए कैमरा, तो आप बेझिझक रेडमी 9 की तरफ जाइए। साथ ही साथ बाकी फीचर की यहाँ पे बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में हमें बैक साइड की तरफ से फिजिकली फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉकिंग का फीचर देखने को मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट, एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 10Q देखने को मिलती है, इसी के साथ MIUI 12 का OS देखने को मिलता है। तो बाकी सभी फीचर जो आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलते हैं, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले में, प्रोसेसर में एंड चार्जिंग में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जी हाँ कैमरा में। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे कहूँगा अगर आपकी बैटरी प्रायोरिटी है एंड आपके लिए स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 10,000 की प्राइस रेंज में रेडमी 9 काफ़ी कमाल का है। बट अगर आपको बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, बहुत ज़्यादा वीडियो कंटेंट देखते हो, ठीक ठाक से गेमिंग करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत फोटोज़ खींचते हो, तो यहाँ पर आप बेझिझक जो है वो रेडमी 9 प्राइम की तरफ जाइए। 1,000 से महंगा पड़ेगा बट इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करोगे, क्योंकि 1,000 भी बहुत लोगों के लिए मैटर करता है। अब आप सोचिए आपकी क्या है प्रायोरिटी, एंड हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बाय करोगे एंड आपकी क्या है प्रायोरिटी जिस वजह से आपने वो स्मार्टफोन बाय किया है। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट सकते हो टेक्नोलॉजी बारे में जानने के लिए या फिर स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए, तो हमें इस वक्त तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो मिलते ही ऐसे ही कमाल के वीडियो में।